सारे बादल हैं उसी के, वो अगर चाहे तो मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे। हो नमाजी या शराबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। बेशक यही बात है, सारे बादल हैं उसी के, वो अगर चाहे तो मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे। हो नमाजी या शराबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। लेकिन आइए अब रमजान से मुतालिक दो तीन कतात पेश कर रहा हूं। रोजा है एक खास नेमत, मोमिनो रोजा रखो, फर्ज है मोमिन पे रोजा, देख लो कुरान को। रोजा दारों पर हुआ करता है रहमत का नुजूल, माह रमजा की फजीलत आलिमों से पूछ लो। रोजा खुदाए पाक की है एक बंदगी, क्योंकि रोजे से दूर होती है रूहानी गंदगी, रोजे की भूख प्यास से जल जाते हैं गुनाह, रोजा संवार देता है इंसान की जिंदगी। मगर जनाब शौख कहते हैं कि रहमतों के फूल दामन में चुनो रोजा रखो, है खुदा का हुक्म ऐ लोगो सुनो रोजा रखो। रोजा रखने से खुदा पाक देगा नेमते, बेशक है ये फरमाने नबी, ऐ मोमिनो रोजा रखो, है ये फरमाने नबी ऐ मोमिनो रोजा रखो। कहना है लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां, लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां, एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां, एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां, एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां, लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी, एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां, एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां, एक शराबी और रोजादार लड़की का समात फरमाएंगे। एक मोमिन शहर काजी था बड़ा खुशहाल था, फजल से अल्लाह के वो खूब माला माल था, उसकी बीवी जाहिदा थी शक्लो सूरत की हसी, नूर था चेहरे पे उसके गोया थी जोहरा जबी। हो गए छह साल उन दोनों की शादी के लिए, रंज था दोनों को ये औलाद से महरूम थे, करती थी बेचैन उनको आरजू औलाद की, बीवी ने रो रो के ये
अल्लाह से फरियाद की, या इलाही वास्ता तुझको रसूले पाक का, मेरी किस्मत में नहीं लड़का तो लड़की कर अता। इतने में दरवाजे पे साहिल ने ये आवाज दी, खुश रहो तुम तो हमें खैरात अल्लाह नाम की। आई वो खातून दर पे सुन के साहिल का सवाल, हाथ में दामों दिरहम थे और चेहरे पर मलाल। लेके दिरहम बोला साहिल किस लिए हो गमजदा, आँखों में आंसू है क्यों, चेहरा है क्यों उतरा हुआ, क्या मुसीबत क्या परेशानी है ये बतलाइए, पूरी होगी आरजू इजहार तो फरमाइए। इतना सुनकर जाहिदा की आंख से आंसू बहे, बोली बे औलाद हूँ छह साल शादी को हुए। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोते रखो, शाह साहब ने कहा इस साल सब रोते रखो, शाह साहब ने कहा इस साल सब रोते रखो। और पुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो, से शहर काजी भी है, छह साल हो गए इसकी शादी को लेकिन औलाद अभी तक नसीब में नहीं है। इसकी बीवी हमेशा इस गम में घुटती रहती है, दुआ करती है कि परवरदिगार अगर मेरे नसीब में लड़का नहीं है तो लड़की ही अता फरमा दे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साहिल आकर आवाज देता है और ये खैरात लेकर जब उसके पास जाती है तो इसके चेहरे को देखकर वो कहता है कि तुम क्यों उदास हो, क्या बात है। तो वो अपने दिल का हाल जब साहिल से कहती हैं तो वो कहता है कि इस साल रमजानुल मुबारक के सब रोजे रखकर और कुरान पाक पढ़कर तुम पंजतन पाक को बख्श दो, फिर देखो क्या होता है। सुनेगा दूसरा बंद, पढ़ के तुम सारी नमाजें मांगो अल्लाह से दुआ, बिल यकीन हो जाएगा तुम पर करम अल्लाह का, है बड़ा वो रहम वाला मेहरबान रब्बे गफूर, तुमको नेक औलाद देगा इस बरस अल्लाह जरूर। इतना कहकर शाह साहब ने उठाए अपने हाथ, मांगी अल्लाह से दुआ हो जाए पूरी मेरी बात, कर आता औलाद इस खातून को मेरे मुजीब, जो भी हो औलाद पैदा नेक हो और खुश नसीब। ये दुआ करके वहां से शाह साहब तो गए, जाहिदा पढ़ने लगी कुरान घर में बैठ के। शाम को शौहर जो आया तो सुनाया माजरा, जो भी साहिल ने बताया था वो सब कुछ कह दिया।
सुन के काजी उसका शौहर खुश हुआ बे इंतहा। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया, दोनों ने रोजे रखे कुरान भी पढ़ते रहे। जो भी साहिल ने बताए काम वो पूरे किए। पंज वक्ता वो नमाजें भी रहे करते अदा। गिड़ गिड़ा कर रोज अल्लाह पाक से मांगी दुआ। रोजे की बरकत से उनकी आरजू पूरी हुई। रोजे की बरकत से उनकी आरजू पूरी हुई। रोजे की बरकत से उनकी आरजू पूरी हुई। ती खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। जाहिदा का शौहर घर आता है तो वो सारा माजरा अपने शौहर से कहती है कि इस तरह से एक शाह साहब आए थे और उन्होंने जो कुछ बताया है वो सारा ही शहर काजी को बता दिया। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना जब आया तो दोनों ने रोजे रखकर कुरान पढ़कर पंज वक्ता नमाजें पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ की। रोजे की बरकत से उनकी आरजू पूरी हुई। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। वो लड़की जब थोड़ी बड़ी हुई तो क्या होता है समाज कीजिएगा। परवरिश होकर वो लड़की हो गई 10 साल की। सूरत और सीरत की दौलत से वो माला माल थी। बंदगी अल्लाह की करने का उसको शौक था, इसलिए कहने लगे घर वाले उसको आबुदा। पढ़ लिया कुरान और तालीम पाई दीन की, फिर हदीसे पाक और तारीख इस्लामी पढ़ी। शौक से पढ़ती थी घर में पंज वक्ता वो नमाज। साफ सुथरी रहती थी संजीदा थी वो पाकबाज। करती थी अपने बड़ों का हर घड़ी वो एहतराम। रोजे रखती और कुरान पाक पढ़ती सुबह शाम। नफली रोजे भी रखा करती थी वो जुमेरात को। गौर से सुनती थी वो इस्लाम की हर बात को। नरगिसी आंखें थी शर्मीली बहुत थी खुश जमाल। देख कर माँ बाप उसको खूब होते थे निहाल। कोई साहिल दर पे आता देती थी दामो दिरहम। कहती थी खैरात से मिलता है अल्लाह का करम। जब से वो पैदा हुई माँ बाप भी खुशहाल थे। फिर गई थी उनकी किस्मत खूब माला माल थे। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब।
इस लड़की की सूरत और सीरत और परवरदिगारे आलम की बंदगी का शौक देखकर इसको लोग आबिदा कहने लगते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी और बड़ी हुई तो इसकी सखावत की धूम जाबजा होने लगी कि काजी की दुख्तर बहुत सखी है, सबका भला करती है। तो लीजिए, इस बंद में आप एक खास बात सुनने जा रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। हो गई उसकी सखावत की ये शोहरत जा बजा, काजी की दुख्तर सखी है, करती है सबका भला। जो भी साइल उसके दर पर जाके करता था सवाल, इस कदर दामो दिरहम पाता था, होता था निहाल। छोड़ती हरगिज न थी वो आबिदा रोजा नमाज, इसलिए देता था उसको खूब रब्बे बेनियाज। उसकी शोहरत सुन के एक दिन एक शराबी नौजवान आबिदा के दर पे पहुंचा और सदा दी बेगुमा। तुमको जो खैरात करने का दिया रब ने कमाल, आज अल्लाह नाम पर पूरा करो मेरा सवाल। एक शराबी लड़का उसकी शोहरत सुनकर एक दिन उसके दर पर हाजिर होता है और कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें खैरात करने का जो कमाल दिया है, आज अल्लाह के नाम पर तुम मेरा एक सवाल पूरा कर दो। क्या सवाल है उस शराबी का, समाप्त कीजिएगा। आबिदा ये सुन के फौरन आई दरवाजे के पास, देखा उसने एक शराबी पहने वो सीधा लिबास, तश्तरी में रख के वो देने लगी उसको दिरहम। तो शराबी ने कहा लेंगे ना हम तुमसे रकम, तुम खुदा के नाम पर कर दो करम ऐ खुश जमाल, पंजतन का वास्ता पूरा करो मेरा सवाल। आबिदा बोली सवाली तुम बताओ मुद्दुआ, पंजतन के नाम पर तुम चाहते हो चीज क्या। बोला साहिल आपसे शादी मुझे दरकार है, बोला साहिल आपसे शादी मुझे दरकार है, बोला साहिल आपसे शादी मुझे दरकार है। अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है, शादी करनी है और अब आप ये फरमाइए कि आपको इनकार है या इकरार है। इत्तफाक से जब वो शराबी ये बात कर रहा था तो आबिदा का बाप भी वहां आ जाता है और जब उसने शराबी की ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो क्या कहता है उस शराबी लड़के से, समाप्त कीजिएगा। इत्तफाकन उस घड़ी काजी भी दर पे आ गए, बात सुनकर वो शराबी की बहुत झुल्ला गए। बोले तेरी ऐसी हिम्मत ऐसा बेहुदा सवाल, तू चला जा वरना हम आंखें तेरी लेंगे निकाल। लेकिन लड़की अपने वालिद की ये बात सुनकर क्या कहती है,
सुन के लड़की ने कहा ये बाप से बाबा सुनो, ये सवाली है इसे अच्छा बुरा कुछ मत कहो। ये शराबी है मगर लेता है नाम अल्लाह का, ये तो सोचो दे रहा है पंजतन का वास्ता। कोई साइल को न झिड़के है ये फरमाने नबी, करते हैं मोमिन अदा सुन्नत रसूल अल्लाह की। नाम जिनका ले रहा है उनकी आला शान है, नाम पर उनके हमारी जान भी कुर्बान है। फिर कहा साइल से अपने दिल में मत कीजिए मलाल, पंजतन के नाम पर पूरा करेंगे हम सवाल। सब खुदा ही ने दिया है मालो जर हुस्नो शबाब, नाम पर उसके करेंगे क्यों ना तुमको फैजियाब। कर लिया जब तुमसे वादा तो बदल सकते नहीं, लफ्ज अब इनकार के मुंह से निकल सकते नहीं। खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है, खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है, खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है। ऐसा वाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, कहती है कि जिनका तुमने नाम लिया है पंजतन पाक का, उनके नाम पर तो ये जान भी कुर्बान है, और ये हुस्नो शबाब ये मालो जर सब अल्लाह ने दिया है, और तुमने अल्लाह के नाम पर हमसे ये जो मांगा है, सवाल जो किया है शादी का, हम तुम्हारा वादा नहीं बदल सकते, खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है, है सवाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, जाओ इंतजाम करो। तो जब इतना कहा उस लड़की ने तो आगे क्या हुआ समा फरमाइएगा। जब लिया है ऐसा वाली पंजतन का तुमने नाम, जाओ अब बारात लाने का करो तुम इंतजाम। इतना सुनकर वो शराबी खुश हुआ बे इंतहा, अपने घर वालों से जाकर माजरा सारा कहा। आबिदा के घर पे एक मातम सा उस दम छा गया, आबिदा की बात सुनकर सबको सकता आ गया। माँ ने रो रो कर कहा बेटी ये तूने क्या किया, एक शराबी लड़के से शादी का वादा कर लिया। बाप भी लड़की के काजी उसको समझाने लगे, मान जा बेटी तू इस शादी का वादा तोड़ दे। क्या कहेंगे बस्ती वाले ऐसी शादी देख कर, पारसाई का तेरी चर्चा है बेटी घर ब घर। सब अजीजों ने उसे हर चंद समझाया, मगर बाखुशी कायम रही वो अपने ही इकरार पर। बोली वो रोजा है मेरा झूठी बन सकती नहीं,
देखता सुनता है सब कुछ मेरा रब्बुल आलमीन। फातिमा जहरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा और सवाल आए सवाली का मगर पूरा किया। फातिमा जहरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा जहरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा जहरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। फैसला देखकर सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम इतनी ताज गुजार इबादत गुजार हो और तुमने एक शराबी से अपनी शादी के लिए हाँ कह दी, तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लड़की कहती है कि ये सायल पंजतन पाक के नाम पर मांग रहा है, जो कुछ भी मांग रहा है। मैं इसका सवाल कैसे रद्द कर सकती हूँ जब फातिमा जहरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा था और साहिल का सवाल पूरा किया था, तो हम भी अगर उनके उसूल अपनाएंगे तो हमसे खुदा भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी होगा। आप लोग फिक्र ना करें, जो मैंने फैसला किया है उसको आप बाखुशी अंजाम दो। लड़के से कहा कि जाओ तुम अपने घर और शादी का इंतजाम करो और बारात लेकर आ जाओ। तो देखिए ये लड़का तो खुश हो जाता है ये बात सुनकर, और फिर वो बारात लेकर इस लड़की के यहाँ आ रहा है। कैसे? काम सब शादी के मेरी बाखुशी अंजाम दो, आए जब बारात घर पर तो उसे आराम दो। जब शराबी लड़के की बारात घर पर आ गई, देखने वालों के दिल पर एक हैरत छा गई। है ये दूल्हा एक शराबी और लड़की रोजादार, कैसे मिल पाएगा लड़की के लिए चैनो करार। बाप ने बारात को ठहराया अच्छी शान से, की तवाजे शाम को अफ्तारी के सामान से। फिर नमाज आकर पढ़ी मस्जिद में ही बासद नियाज, जिंदगी में ये पढ़ी थी दूल्हा ने पहली नमाज। जिंदगी में पहली बार उस दूल्हा ने इफ्तार के बाद ये मगरिब की नमाज अदा की थी। जब नमाज के बाद यानी इफ्तार के बाद बारात ने खाना खा लिया तो फिर क्या हुआ सुनेगा। खा लिया बारात ने खाना तो पानी आ गया, फिर वुजू करके वो दूल्हा सीधा मस्जिद को गया। अक्द दोनों दूल्हा दुल्हन का हुआ फिर बाखुशी, रात को बारात फिर काजी ने घर पर रोक ली। सब बराती बाखुशी सोए वहीं आराम से, वक्त सहरी का हुआ तो सहरी दी सब के लिए। फिर नमाज़े फजर पढ़कर आया दूल्हा शान से, और फिर रुख्सत करा कर ले गया अरमान से। काजी ने दुख्तर को अपनी मालो जर काफी दिया, था जहेज अच्छा जरूरत का सभी सामान था। आबुदा मैं कैसे अपने आज रुखसत हो गई, आबुदा मैं कैसे अपने आज रुखसत हो गई,
शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो की ये बेटी आबिदा रुखसत होकर अपने माँ बाप के यहां से जब अपने शौहर के यहां आती है तो ये शराबी तो खुश हो जाता है कि आज मेरी हसरत पूरी हो गई है, मगर इसको क्या मालूम था कि अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। समाप्त कीजिएगा समीन, ये इसका खास बंद है और बड़ी तवज्जे के साथ आप सुनेंगे, थोड़ा सस्पेंस है इसमें। कैसे आबिदा शौहर के घर पहुंची तो सबने देख कर की बहुत तारीफ के दुल्हन है ये रश के कमर। सब ये कहते थे शराबी का मुकद्दर देखिए, हूर जैसी गुलबदन दुल्हन मिली इसके लिए। अब सुनो शौहर के घर में आबिदा ने क्या किया, जो भी था सामान घर में सब करीने से रखा। बोतलें धो धो के रखी फेंक कर सारी शराब, भर दिया बोतल में पानी डाल कर अरके गुलाब। जब ये अपने ससुराल पहुंचती है और अपने शौहर का वो कमरा देखती है तो शराब की बू आ रही थी, जगह जगह बोतलें रखी हुई थी। ये सारी बोतलों को धोती है और उनमें गुलाब का अर्क भरकर रख देती है। और फिर आबिदा ने अपने शौहर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। आबिदा ने अपने शौहर को किया यूं सरफराज, उससे जोहर व असर की मस्जिद में पढ़वाई नमाज। वक्ते मगरिब का हुआ होने लगी जिस दम अजा, बीवी और शौहर ने रोजा खोला होकर शादुमा। वो गया मस्जिद में बीवी ने पढ़ी घर में नमाज, फिर दुआ की नेक शौहर को बना ऐ बेनियाज। जब वो आया घर में शौहर तो चला पीने शराब, आबिदा बोली के बैठो मैं पिलाऊंगी जनाब। एक दिन पूरा जब गुजर गया और इस शराबी लड़के को शराब नहीं मिलती है, नमाज भी पढ़ी दो तीन वक्त की और मगरिब की अजान जब हुई तो रोजा भी इफ्तारा। उसके बाद नमाज पढ़कर जब ये आता है तो फौरन शराब पीने के लिए जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि ठहरो। उसके बाद लड़की ने क्या किया था कि वो जो गुलाब का अर्क उन बोतलों में रखा हुआ था उसको एक प्याले में लेकर उसका एक जाम बनाकर उस पर सूरह इखलास पढ़कर यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर दम कर दिया। ये नेक और पारसा लड़की जब उस मैं के प्याले पर, शराब के प्याले पर सूरह इखलास पढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, समाप्त कीजिएगा। सूरह इखलास पढ़कर फूंक कर प्याला दिया और फिर दिल में कहा सुन रोजादारों की खुदा। पंजतन का वास्ता और माह रमजा के तुफैल, दूर फरमा कल्ब से शौहर के सारा गर्दो मैल। I'm not afraid.
पीते ही मुनव्वर हो गए कलगो जिगर। आखिरी बंद रोजादार लड़की और शराबी लड़का इस उनवान से हम आपको सुना रहे हैं। इस बार रमजान शरीफ में हमने इसके अलावा एक कैसेट और किया है जिसका उनवान है माहे रमजान बड़ी शान वाला। आप जरूर सुनिए उस कैसेट को भी और ये आखिरी बंद इसका समाप्त फरमा लें और इसी कैसेट में आप इसके बाद सुनेंगे सहरी नामा यानी सहरी की क्या फजीलत है, कैसा मंजर होता है। इसके बाद फौरन ही बाद आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। वो लड़का जब सूरह इखलास पड़ा हुआ वो पानी पी लेता है तो उसको नींद आ गई, लेकिन जब नींद आ गई तो ख्वाब में दुर्वेश नजर आते हैं और वो उस लड़के से क्या कह रहे हैं ख्वाब में समाप्त कीजिएगा। उसके शौहर ने बड़े ही शौक से प्याला पिया, पी के प्याला हो गई तस्कीन फौरन सो गया। ख्वाब में उसके लिए दुर्वेश एक आए नजर, बोले तेरी बीवी है अल्लाह वाली कदर कर। कर ले मैं नोशी से तौबा, बख्श देगा फिर खुदा, दोनों आलम में सुकूनो चैन इज्जत पाएगा। पंजतन का सच्चे दिल से जब करेगा एहतराम, तो खुदा फरमाएगा रहमत से तुझको शाद काम। खुल गई जब आंख तो तौबा की और रोने लगा, बख्श दी अश्के नदामत ने उसे कामिल शफा। आबिदो जाहिद बना आशिक हुआ इस्लाम का, मोतकिद सच्चा हुआ वो पंजतन के नाम का। फिर बहम दोनों मोहब्बत चैन से रहने लगे, बारिश रहमत हुई रोजे की बरकत देखिए। हो गई ऐसा उन पर जब निगाहे पंजतन, हो गई है शौक उन पर जब निगाहे पंजतन, हो गई है शौक उन पर जब निगाहे पंजतन। घर भरा औलाद से फूला फला उनका चमन,